तो लेक्चर 6 की बात करते हैं। वेक्टर का जो पार्ट है छोटा सा, बेसिस वेक्टर ये सब जो है, तो मैट्रिसेस के अंदर वो कैसे फिट होता है। ठीक है, तो वेक्टर का पार्ट देखते हैं। एक वेक्टर है एक्स, उसको हमने लिखा एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन। तो इसको हम बोलेंगे कि अगर हम बात करते हैं कि इसको हम बोल क्या सकते हैं, इसको हम एन वेक्टर बोल सकते हैं या फिर ऑर्डर्ड एन टूपल। ये एक वर्ड होता है जो इसके लिए मतलब एक तरीके का सेट है। ठीक है, एक तरीके का सेट है एक्स वन से लेके एक्स एन तक का, और जो ये सारी चीजें हैं एक्स वन एक्स टू ये जितने हैं पार्ट है इसको उसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ एक्स। अगर आपका ये ऐसा है तो ये आपका एक रो मैट्रिक्स है या रो वैक्टर है, इसको रो वैक्टर भी बोलते हैं। अगर आपका ये एक पार्ट ऐसा आता है एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन ऊपर से नीचे, तो ये आपका क्या होगा। ठीक है, आपने सही कहा, कॉलम वेक्टर, कॉलम वेक्टर होगा या फिर कॉलम मैट्रिक्स होगा। ओके, तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम इन्हीं चीजों पे काम करेंगे आगे इसी के अंदर। फिर आगे बात आती है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर की। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर तो वो सिंपल है, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। एक वेक्टर के कंपोनेंट हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड सो ऑन, और वाई वन। ठीक है, एक्स वेक्टर है वाई वेक्टर है, ये आप समझ लेंगे ऐसे करके। ठीक है, वाई टू वाई थ्री एंड सो ऑन। तो अगर एक्स वन वाई वन के इक्वल है, एक्स टू वाई टू के इक्वल है, एक्स थ्री वाई थ्री के इक्वल है, तो आपके एक्स और वाई वेक्टर इक्वल, मतलब हर एलिमेंट उस नंबर के, ये जो ऑर्डर है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ऐसे अगर एडिशन करेंगे, अगर हम एक्स प्लस वाई कर दें तो आपका क्या होगा, एक्स वन प्लस वाई वन कॉमा एक्स टू प्लस वाई टू कॉमा ऐसे सो ऑन। तो ये आपका एडिशन है। एडिशन इक्वल मल्टीप्लिकेशन एकदम सिंपल सिंपल है, कोई मतलब बात ही नहीं है। अगर एक वेक्टर है वन थ्री टू, आप करेंगे फोर एक्स, ये क्या हो जाएगा फोर ट्वेल्व एंड एट, तो हर एलिमेंट में थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर की। ठीक है, तो वेक्टर मान लो हमने बहुत सारे वेक्टर ले लिए एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स आर। ठीक है, बहुत सारे वेक्टर हैं। ठीक है, आर वेक्टर हैं, ऑर्डर इनका क्या है एन है, आर टोटल वेक्टर्स हैं, ऑर्डर इनका एन है। ओके, हमने इसमें के वन से मल्टीप्लाई किया, के टू से किया, के थ्री से किया एंड सो ऑन। तो हमारा जो ये बना के वन एक्स वन के टू एक्स टू, सबको ऐड भी कर दिया, के थ्री एक्स थ्री, तो ये जो हमारा जो बात है, ठीक है, ये जो है इसको हम बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये हमारे यूज होगा लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर के कॉन्सेप्ट में। बात करेंगे लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। अब आप देखेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो कुछ नहीं है। पहले देख लेंगे ओ क्या है, एक जीरो वेक्टर है ऑर्डर एन का। ठीक है, जीरो वेक्टर है ऑर्डर एन का, तो ये तो ओ हुआ। अगर ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन वाला फैक्टर हमने देखा था के वन एक्स वन के टू एक्स टू, ये ओ के इक्वल है एंड के वन के टू के थ्री सब नॉन जीरो हैं, तो ये हमारा डिपेंडेंट होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। अगर के वन के टू के थ्री या के फोर के आर तक, ठीक है, आर के आर एक्स आर, ये सब के सब जीरो अगर हो गए, ठीक है, ये सारे जीरो हो गए, तो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होगा। तो ये डिफरेंस है, ये जो वैल्यूज हैं ये सब हमारा इंडिपेंडेंट में जीरो के इक्वल होती हैं। ठीक है, डिपेंडेंट में जीरो के इक्वल नहीं होती, और ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर को हमने एक बेस बना के तब हम बात कर रहे हैं। अब हम आप कहेंगे कि ये तो ठीक है, लेकिन इसको हम मैट्रिक्स में कैसे अप्लाई करें, लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो टू क्रॉस टू की है, ठीक है, एक एन ऑर्डर की है, एन हमारा टू है यहाँ पे। अगर हमारा ए डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है तो ये हमारा एक क्या बोला था हमने, सिंगुलर मैट्रिक्स भी है। बट इसी के साथ साथ, सिंगुलर के साथ साथ क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है कि मैट्रिक्स है कुछ भी है, ठीक है,
अगर ऐसा है तो इसके सारे रोज एंड कॉलम्स क्या होंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ओके, ये कॉन्सेप्ट हमने मैट्रिक्स में ऐसे लगाया कि एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर की, 2 की हो सकती है, 3 की हो सकती है, 4 की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 है तो उसके सारे रोज एंड कॉलम्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, ये सच है, ठीक है। और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो यही चीज इंडिपेंडेंट आ जाता है। तो ये डिफरेंस है मेन, ये आपको फैक्ट ये याद रखना है, ठीक है, डेल ए इज इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 0। कैसे याद रखेंगे, जहां पे 0 आ जाएगा वहां पे डिपेंडेंसी आ जाएगी। ठीक है, जहां पे 0 आ जाएगा वहां पे डिपेंडेंसी आ जाएगी। अगर एक सेट ऑफ वेक्टर है, ठीक है, बहुत सारे वेक्टर हैं, वेक्टर्स हैं, उनका सेट है, उसमें अगर सिंगल एक कोई 0 वेक्टर है, सिंगल कोई 0 वेक्टर है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, ठीक है, यही वाली बात, डिपेंडेंस। तो ये यहां से भी देखा, जहां 0 आया वहां डिपेंडेंसी आई, ये एक मान लो कि ट्रिक बोल सकते हो कि याद रखने का, 0 डिपेंडेंसी। और याद कैसे रखेंगे, इससे, अब कहेंगे इससे कैसे याद रखेंगे, तो सिंपल इतना याद रखना है कि 0 जो है ठीक है, ये z 0 एकदम लास्ट में आता है और d यहां आता है एंड i यहां कहीं आता है, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट होता है और डिपेंडेंट होता है। तो अगर जो आपका 0 0 यहां से चलेंगे तो लास्ट, और d यहां से ऊपर चलेंगे तो सबसे पहले आता है, ठीक है, सबसे पहले d ऊपर टॉप के करीब है, हम कैसे याद रखेंगे, टॉप d जो है वो हमारा टॉप के करीब है और हमारा z टॉप के करीब है, ठीक है, नीचे से मतलब बॉटम के करीब है, तो आई बीच में है, तो आई अलग पड़ गया, अब हमारा डी, तो 0 का मतलब डिपेंडेंसी, डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, तो आप समझ ले। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एक 3 वेक्टर्स हैं, ओके, अब हमको बताना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, या जो हमने पढ़ा उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है, तो ये देखते हैं, ये 2 है, ठीक है, जब भी हमको ऐसा है तो हम एक इक्वेशन बनाएंगे, किसी भी एक के टर्म में 2 को हम लिख लेंगे, ठीक है। अब कहेंगे ऐसा ही क्यों, तो आप ऐसा लिखते तो ऐसा लिख लेते, ठीक है, जैसी मर्जी, किसी भी एक को 2 बाकी के टर्म्स में हम लिखेंगे, ठीक है, तो हमने ये लिखा, ओके। फिर हम लिख लेंगे 1 2 2, -2 और 1, ठीक है, तो हमने ऐसे लिखा। अब हम कंपेयर कर लेंगे, किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ये जो ए ये शुरू के उनको कंपेयर कर लिया, तो हमें क्या पता चला कि 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 1, बीच को कंपेयर किया तो ये a प्लस या -2b इज इक्वल टू 2, और तीसरी इक्वेशन भी आएगी, ये 2 इज इक्वल टू -a
प्लस बी, ठीक है, सिंपल है। तो बस आप ए बी की वैल्यू को निकाल सकते हैं, जो ए आया वो हमारा 1 आया और जो बी आया वो हमारा -1/√2 आया, सॉरी -1/2 आया, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, तीन वेक्टर हमको दिए थे, हमने उनको इस फॉर्म में लिखा, ठीक है, लीनियर लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा, एक्स वन इज टू ए एक्स टू प्लस बी एक्स थ्री, और हमने बस ए और बी की वैल्यूज को निकाल लिया, ठीक है। हाँ, थर्ड इक्वेशन किस काम में आएगी ये देखते हैं, सॉरी, ठीक है, थर्ड इक्वेशन। तो इन दो इक्वेशन की मदद से हमने ए और बी के वैल्यूज को निकाला था, तो हमारे पास ये वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, इसको थर्ड में इनपुट करेंगे, तो टू इज इक्वल टू -1 और माइनस, ठीक है, तो ये नॉट इक्वल है, ठीक है, ये नॉट इक्वल। इससे हमें समझ में आया कि जो हमने वैल्यू निकाली वो गलत थी, तो गलत होने का मतलब है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि रिलेशन इक्वल नहीं आ रहा है। तो इससे बस हमें इतना समझना है कि अगर हम दो इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे और वो थर्ड में पुट करके जीरो मतलब इक्वल नहीं आएगा तो हमारा इंडिपेंडेंट होगा, और अगर इक्वल आ जाता, टू इक्वल टू टू, ठीक है, तो हमारा डिपेंडेंट हो जाता। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा दिया कि लीनियर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट लीनियर कॉम्बिनेशन वैक्टर क्या होता है, वो मैट्रिक्स में उसको कैसे लगाते हैं, और कोई भी मैट्रिक्स या वैक्टर का सेट है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है कैसे पता करते हैं। तो नेक्स्ट वेक्टर में हम बात करेंगे इनर प्रोडक्ट की एंड लेंथ और नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, ओके। तो मैंने दोनों को पार्टीशन कर दिया। इनर प्रोडक्ट की बात करें, इनर प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर हैं एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन, ओके, एंड वाई है ऐसे ही वाई वन वाई टू वाई एन, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट क्या होता है, होता है एक्स डॉट वाई, ठीक है, एक्स डॉट वाई होता है, लेकिन उसमें एक स्पेशल कंडीशन है, ये तो डिनोट करते हैं हम एक्स डॉट वाई, बट फॉर्मूला होता है एक्स ट्रांसपोज वाई। एक्स ट्रांसपोज वाई मतलब इसको अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो ये रो बन जाती है, एक्स वन एक्स टू, ठीक है, एक्स एन तक। तो आपका एक्स डॉट वाई या इनर प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, फिर आपका एक्स वाई वन से मल्टीप्लाई होगा, हर चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो एक्स वन वाई वन प्लस एक्स टू वाई टू प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, एक्स एन वाई एन। तो सिंपल है, डिनोट आप एक्स डॉट वाई से करेंगे और आपका एक्स ट्रांसपोज इन टू वाई होगा, ये तो आपका हो गया इनर प्रोडक्ट। अब इसमें अभी हम इनर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इस पर तब आएंगे बाद में। इसमें सिंपल सिंपल वो है कि एक्स ट्रांसपोज वाई या फिर वाई ट्रांसपोज एक्स एक ही बात है, ओके। एक्स डॉट वाई बोले अगर अगर वो जीरो के इक्वल है, ठीक है, हम बात करें पहला कंडीशन, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, याद रखेंगे। एंड एक्स डॉट वाई आपका प्लस माइनस वन के इक्वल है, ठीक है, स्पेशल केसेस हैं ये। तो इसमें क्या होगा, हमारा एक्स और वाई जो दोनों वेक्टर हैं वो परपेंडिकुलर हैं एंड इसमें वो पैरेलल हैं, ठीक है, शॉर्ट में डोंट कर समझ जाएंगे, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। तो अगर ये जो ये है एक्स वन वाई वन प्लस एक्स टू वाई टू, ये चीज़ अगर जीरो के इक्वल है तो वो दोनों वैक्टर अपने आप में परपेंडिकुलर है वरना पैरेलल है, ओके। अगर हम बात करें लेंथ और नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, तो हम कह सकते हैं कि ये इसी का स्पेशल केस है, कैसे वो देखते हैं। मैंने इसको स्पेशल केस क्यों बोला है, अगर हम एक वेक्टर लेते हैं एक्स वन टू एंड थ्री, ओके, वन टू थ्री लेते हैं, अगर हम इसको पहले बार देखते हैं डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं या डबल बार, ठीक है, एंड वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर,
अब इससे हम क्या समझे, इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज, एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज, ठीक है। अब इससे क्या हम समझेंगे कि एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज क्या है, यहां पे एक्स ट्रांसपोज इंटू वाई था। हम अगर किसी वेक्टर का इनर प्रोडक्ट इटसेल्फ के संग ले लें, समझ रहे हैं ना, एक्स इंटू एक्स का ही ट्रांसपोज, यहां पे एक्स ट्रांसपोज इंटू वाई या फिर वाई ट्रांसपोज इंटू एक्स हुआ करता था, ठीक है। तो हम एक्स को और उसका रूट ले लें बस, तो वो सीधी सी बात है। अच्छा, ये स्क्वायर कैसे हुआ, तो अगर आप ऐसा करेंगे, आप बताइए, अगर आप 1, 2, 3 ऐसा लेते हैं और आप उसका ट्रांसपोज ले लें, तो वो आपका 1, 2, 3 ऐसा हो गया। ये अगर आप 1 का 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 का 2 से, 3 का 3 से, जैसे यहाँ पे किया था, तो आपका यही चीज़ आएगी, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, लेंथ और नॉर्म ऑफ अ वेक्टर ऐसे आप डिनोट करेंगे और रूट के अंदर जो टर्म्स हैं उसी का स्क्वायर ले लेंगे, एंड सम, स्क्वायर करके सबका सम। तो ये चीज़ है सिंपल सी, लेंथ और नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। थोड़े से और टर्म्स हैं, उनको भी देखते हैं, यूनिट वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर एंड ऑर्थोगोनल वेक्टर, ये क्या होता है। जो आपने देखा था नॉर्म, लेंथ और नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, ये है। अगर वो कोई ऐसी मैट्रिक्स है, हम एक वेक्टर लेते हैं फॉर एग्जांपल, ओके, अब इसका आप नॉर्म निकालिए, तो आपको पता है इसका नॉर्म तो इजी है, ठीक है, जीरो का स्क्वायर जीरो, माइनस वन का स्क्वायर वन, ठीक है, प्लस जीरो जीरो, कितना आएगा वन। अगर किसी भी वेक्टर का नॉर्म या लेंथ, जो भी आप बोले, वो वन आ जाता है, ठीक है, तो वो एक यूनिट वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर है। अब हम क्या करते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, वेक्टर्स, ठीक है, दो वेक्टर, ये क्या है, सिर्फ सिंगल वेक्टर को ही प्रॉपर्टी है, ये दो वेक्टर के बीच में है। हमने दो वेक्टर लिए, ठीक है, वन माइनस टू जीरो, एक हमारा हो गया, ओके, एंड टू वन जीरो। अगर हम क्या करें कि एक्स वन डॉट एक्स टू करें, ये क्या था, याद करेंगे आप, इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट क्या होता है, एक्स वन ट्रांसपोज एक्स टू और एक्स वन डॉट एक्स टू का ट्रांसपोज, मतलब किसी को भी एक कॉलम का आप रो बना लो, वन माइनस टू जीरो हमने बनाया और टू वन जीरो तो हमारा है ही। आपने नॉर्म निकाला, ठीक है, हम नॉर्म निकालते हैं, चलिए, तो टू इंटू वन वन, माइनस टू माइनस टू और जीरो, ये कितना आ गया हमारा, जीरो। अगर किन्हीं भी दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट, फिर से बोलेंगे मेरे साथ, किन्हीं भी दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए, ठीक है, ठीक है, जीरो आ जाए, बस सीधी सी बात है, वो दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, बस इतना ही याद करना है। ऑर्थोगोनल सेट भी एक वर्ड होता है, उसको देख लेते हैं, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल सेट हम क्या देख रहे हैं, ऑर्थोगोनल सेट। अब हमने ऑर्थोगोनल वेक्टर्स देखा था, तो वो x1 x2 के बीच की बात थी। अगर आप सेट का मतलब कि मोर देन टू या उससे ज़्यादा, आपने कितने सारे वेक्टर्स ले लिए, आप उसमें से किन्हीं भी दो को उठा के उनका इनर प्रोडक्ट निकालेंगे। इनर प्रोडक्ट कैसे निकलता है, रिवाइज करेंगे फिर से, x1 ट्रांसपोज x2, आपने x1 का x3 के संग देख लिया, तो x1 ट्रांसपोज x3, ओके, तो ये अगर जीरो आए, हर जीरो आए, मतलब आप किन्हीं भी दो को उठा लो, आपकी मर्जी, आप किन्हीं भी दो को उठा लो और सब कोई जीरो आए, तो ये जो पूरा का पूरा सेट होगा, ये जो सेट है, तो ये एक ऑर्थोनॉर्मल, सॉरी ऑर्थोगोनल सेट है, ठीक है। तो ऑर्थोनॉर्मल, सॉरी नॉर्मल वेक्टर या यूनिट वेक्टर, एक ही बात है, ऑर्थोगोनल वेक्टर और ऑर्थोगोनल सेट, ये सब हमने देखा। तो ये वेक्टर्स के अंदर छोटे छोटे थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं। हाँ, मैं ऑर्थो नॉर्मल पे जा रहा था, तो अब ऑर्थो नॉर्मल पे सच में आ जाते हैं। ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स या सेट, ठीक है। अब ये आपको इतने समझदार आप है, आपको समझ में आ गया होगा, सेट मतलब दो से ज़्यादा, और अगर दो की बात करें तो x1 x2 आप दो में कंपेयर कर रहे हैं, तो आप ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स बोलेंगे। और इसमें क्या है, वन टू थ्री फोर, कितने भी वेक्टर्स हो सकते हैं, n वेक्टर, ठीक है, ठीक है, इसको समझते हैं। ये फॉर्मूला है, अगर हम दो की बात करें तो ये हमारे दो हैं, और ज़्यादा हैं तो ज़्यादा, मतलब
एक्स आई ट्रांसपोज इंटू एक्स जे, ठीक है, ट्रांसपोज क्यों है, वो तुम्हारा फॉर्मूला है इनर प्रोडक्ट का, किसका फॉर्मूला है, इनर प्रोडक्ट निकालने का, ओके इनर प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला है। अगर इनर प्रोडक्ट हमारा दो वेक्टर का, जैसे हमने x1 x2 लिया, यहाँ तो दो ही है, तो इन्हीं दोनों का अगर वो जीरो आ जाता है फॉर ऑल i इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब x1 डॉट x2 या x2 डॉट x1 के लिए अगर ये जीरो आता है, और i इज इक्वल टू जे मतलब अगर आप x1 का x1 से ही कर रहे हैं या x2 का x2 से ही इनर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये वन आएगा। इसको समझते हैं, अगर डिफरेंट i इज नॉट इक्वल टू जे मतलब x1 का x2 से करें, या थोड़ा और नहीं चाहते हैं, अच्छे समझ लेते हैं, ठीक है, अगर x1 x2 x3 x4 x5 पांच हैं तो आप x1 का x2 के संग करिए, या x1 का x4 के संग करिए, या x1 का x5 के संग करिए, कुछ भी वो जीरो आना चाहिए, ठीक है, सबसे पहली कंडीशन, डिफरेंट के संग जीरो, और x1 डॉट x1 या फिर x2 डॉट x2 या फिर x5 डॉट x5, ये क्या है, इनर प्रोडक्ट, ये वन आएगा, ठीक है, जीरो वन अगर वन आता है तो ये जो वेक्टर होंगे, ये जो सेट होगा तो वो ऑर्थो नॉर्मल सेट होगा, या ये दोनों वेक्टर जब हमने बात करी थी x1 x2 की, ये ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स होंगे, ठीक है, ओके। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, मतलब ऑर्थो नॉर्मल है, ऑर्थोगोनल है, ठीक है, नॉर्म क्या है, लेंथ और नॉर्म, या इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट का एक सब केस है, ठीक है, अगर आप खुद से ही ले लें इनर प्रोडक्ट तो वो आपका एक सब केस बन गया, तो वो आपका एक स्पेशल केस है, उसको हम लेंथ या नॉर्म ऑफ वैक्टर बोलते हैं। ये बात है ना कि सारी चीज़ों को अगर आप रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है, कन्फ्यूज़न नहीं होता है, और अच्छे से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया एडजस्ट कर लेंगे। ये एक हमने वेक्टर लिया, ठीक है, ये हमारे पास एक ए वेक्टर है, अब हमने क्या किया, एक्स वन को लिखा वेक्टर, अब हम लिखेंगे, सॉरी मतलब कुल मिला के बात ये थी कि आपको एक मैट्रिक्स दे दी गई, ये आपका एक्स वन हो गया, टू वन टू ये आपका एक्स थ्री हो गया, सॉरी एक्स टू और एक्स थ्री आपका टू माइनस वन, ये आपका ये हो गया। अभी आपके तीन बने वेक्टर, अब आपको बताना है ये ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स या ऑर्थोनॉर्मल सेट है या नहीं है। अगर ये तीनों ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हुए तो ये जो आपकी मैट्रिक्स है, ये जो आपकी मैट्रिक्स है, ये एक ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स होगी, ठीक है, हमें हर चीज़ आखिरी में ला के जोड़नी तो मैट्रिक्स में है ना, तो ये आपकी ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स होगी। तो हम सिंपल क्या करते हैं, इनर प्रोडक्ट निकालते हैं, इनर प्रोडक्ट निकालने का क्या मतलब था, एक का ट्रांसपोज और एक सिंपल है, तो हम क्या करेंगे, वन बाई थ्री को तो हम कॉमन ले लेंगे बाहर, अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये यही चीज़ हो गई ना, वन टू माइनस टू इंटू टू वन टू, यही चीज़ हुई ना आफ्टर ऑल, तो हमने ये किया तो टू प्लस टू माइनस फोर, ये क्या आया हमारा, ये आ गया ज़ीरो, ठीक है, समझ रहे हैं, ये आ गया आपका ज़ीरो। तो ये x1 x2 है, अब हम x1 को x3 के संग देख लेते हैं तो हमारा लगभग क्लियर हो जाएगा, बाहर हमने ये लिया तो x3 क्या था हमारा, ये यहाँ से देख लेते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है, 1 को 2 से तो 2 माइनस 4 और प्लस 2, तो ये भी आपका ज़ीरो आ गया, इससे क्लियर हो गया कि ये हमारा 1 2 3 मतलब सब हमारे ऑर्थोनॉर्मल सेट है, ये क्लियर हो गया, ऑर्थोगोनल है, जीरो तब आता है ना ऑर्थोगोनल, अब हमें ऑर्थोनॉर्मल प्रूव करना है, तो अब हम क्या करेंगे, सही आपने सही बोला, हम x1 का x1 से ही लेंगे, x1 का x1 से लेंगे तो हम ये कर देते हैं रूट के अंदर, ठीक है, तो 1 बाई थ्री तो मतलब 1 बाई नाइन आ गया, 1 का 1 2 का 4 माइनस 2 का 4, ये आपका 9 से 9 गया तो आपका आ गया 1, बिल्कुल सही है, 1 आना चाहिए था, ठीक है, हम और क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है, करेंगे नहीं तो करते हैं, x2 का ले लेते हैं, x2 से अगर ये भी 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया तो हमारा ये कुल मिला के क्या हो गया, ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स हो गए, वेक्टर्स हो गए, ठीक है, समझ रहे हैं धीरे धीरे बातों को,
कि डिफरेंट वालों का तो जीरो आना चाहिए, सेम वालों का वन आना चाहिए, ठीक है। तो हम x2 को देखते हैं, x2 को लिख लेते हैं बस। x2 हमारा क्या है, 212, ठीक है। तो 1/9 तो हमारा 1/3 का आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 4, तो आपका 9 से 9 गया, तो ये बना गया, बस सिंपल है। तो ये अच्छा सा एग्जाम्पल था ऑर्थो नॉर्मल, ऑर्थोकॉनल, और फिर ऑर्थो नॉर्मल सेट जो होता है उसको समझने का। इसको सम अप करेंगे धीरे धीरे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिसेस। ओके, तो अब हमने बात करी ये क्या है, ये बताना आप लोग, ठीक है। ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। अगर आपने किसी भी यूनिट मैट्रिक्स में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर दिया, ओके, 1 0 0 1, 0 1 0, 1 0 0, बस सिंपल इतना ही है। जब आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर दिया इसमें, तो जो न्यू मैट्रिक्स निकल के आई वो आपकी एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। मतलब किसी भी यूनिट मैट्रिक्स में अगर कोई भी तरीके का R1 R2 से कर दें, ठीक, कुछ भी कर दें, तो आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी ये कोई स्पेशल नहीं है, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे तो उसको पहचानेंगे नहीं, ये क्या अजीब सा, ये तो आप जानते हैं यूनिट मैट्रिक्स है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। एलिमेंट्री मैट्रिसेस बहुत तरीके की हो सकती हैं, लेकिन उसका जो बेस होगा या जो रूट होगा वो आपका यूनिट मैट्रिक्स होगा, ये ठीक है, ये समझने की बात है। वो यूनिट मैट्रिक्स से ही निकल के आती है। अब हम देखेंगे वेक्टर स्पेस एंड बेसिस, ठीक है। ये सिर्फ ईसी वालों के लिए है, सिंपल। इससे एक आध दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वेक्टर स्पेस एंड बेसिस, तो हम लेते हैं, लेट वी बी एक नॉन एम्प्टी सेट है, इसका काफी सारे वेक्टर्स का, ठीक है। तो वी एक सेट है, अभी तो बात करी, वी एक सिर्फ एक नॉन एम्प्टी सेट है। अब ये वेक्टर स्पेस कहलाएगा नहीं कहलाएगा, ये किन पे डिपेंड करता है, कुछ प्रॉपर्टीज या एक्जायम्स, ठीक है, इनके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये कितनी है, बहुत सारी है। अगर ए प्लस बी वी में लाई करता है तो, ए बी सी क्या है, एलिमेंट्स हैं वी के, ठीक है। तो एलिमेंट है तो ए प्लस बी तो लाई करेगा, ठीक है। ए प्लस बी, ये सब थियोरेटिकल पार्ट है। बी प्लस ए के इक्वल है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ए प्लस बी प्लस सी इजक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस 0 इजक्वल टू 0 प्लस ए इजक्वल टू ए। ए प्लस माइनस ए इजक्वल टू 0 4 5 6। अल्फा ए इन वी, ठीक है। तो अल्फा बीटा दो स्केलर्स हैं, ये क्या है, एलिमेंट्स थे उसी के अंदर, और अल्फा बीटा दो स्केलर्स हैं, इन सब का यूज किया है इसलिए हमने डिफाइन किया है। अगर अल्फा टाइम से करेंगे तो वो भी बी में, वी के अंदर होना चाहिए। तो ये आपकी 6 एग्जाम्स आई। तो वेट अ मिनट, आपकी जो प्रॉपर्टी 1 है एंड जो प्रॉपर्टी 6 है, अगर ये सिर्फ ये दोनों फुलफिल होती हैं, सिर्फ अभी इन्हीं की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली बात, ये दोनों प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। एंड हम क्या बोलेंगे कि आपका ये दोनों सेटिस्फाई है, तो वेक्टर स्पेस इज क्लोज अंडर द वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। मतलब कि आपका जो वेक्टर स्पेस है वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म उस पर हो सकता है, और वेक्टर एडिशन भी हो सकता है, ठीक है, जब ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये सेटिस्फाई है तो आपका वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन दोनों परफॉर्म हो सकते हैं। ये तो इतनी बात हुई। अब कुछ प्रॉपर्टीज और भी हैं जिनको फुलफिल होना चाहिए। नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 एंड नंबर 10। 1 डॉट ए इजक्वल टू ए,
अल्फा ए प्लस बी इक्वल टू अल्फा ए प्लस अल्फा बी। अगर आप देखेंगे तो बेसिक बेसिक मतलब ये फुलफिल तो होती ही होती हैं, लेकिन फिर भी ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है। अल्फा प्लस बीटा इंटू ए, अल्फा ए प्लस बीटा ए, अल्फा इंटू ए प्लस बी अल्फा ए प्लस अल्फा बी, ये सब चीज़ें हैं ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई करता है कोई भी वी जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसमें वेक्टर्स होने चाहिए, मतलब एम्प्टी नहीं हो ना, तब तभी तो डिफाइन हो रहा है, तभी तो उस पर बात हो रही है, तो वो आपका वेक्टर स्पेस कहलाएगा। सबसे मेन बात जो है ठीक है, वेक्टर स्पेस कहलाने के लिए ये सारी प्रॉपर्टी फुलफिल होनी चाहिए। अगर फर्स्ट एंड सिक्स फुलफिल है तो ये दोनों क्लोजर प्रॉपर्टी होती हैं, और इसका मतलब कि इसके बाद आप वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे सब स्पेस की, तो वेक्टर स्पेस हो गया, अब इसी के अंदर एक सब स्पेस होगा, ठीक है। तो एक वेक्टर स्पेस है ठीक है, वेक्टर स्पेस है V, उसी के अंदर एक W सब स्पेस है ठीक है। N वही बात की, वो क्या होता है, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म हो सकता है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल्ड है, मतलब प्रॉपर्टी 1 एंड 6 फुलफिल्ड है ओके। तो क्या है कि वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म हो सकता है, पहले तो V पे परफॉर्म होना चाहिए तभी V एग्जिस्ट करेगा, एक वेक्टर स्पेस होगा। तो W कुछ अलग चीज नहीं है सब स्पेस, उसी का एक पार्ट है प्रॉपर्टी, वो भी यही फुलफिल करेगा, प्रॉपर्टी वो भी यही फुलफिल करेगा, करनी चाहिए तभी इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि बस एक, ये एक सबसेट है, उसका एक छोटा पार्ट होगा ठीक है। जैसे कि मान लो 1, 2, 3, 4, 5 ये वेक्टर स्पेस है, ये सब फुलफिल करते हैं सारी। अगर आप 1, 2, 3 भी फुलफिल करें तो ये W हो जाएगा, ये V हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है, तो ये एक सब स्पेस है। अब लास्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट था डायमेंशन एंड बेसिस, जो बेसिस था जिसपे क्वेश्चन बनते हैं ठीक है, इसको नोट डाउन कर देते हैं। ठीक है, एक वेक्टर है, वेक्टर स्पेस है ठीक है, वेक्टर स्पेस अब तो हमने पढ़ लिया, वो सारी प्रॉपर्टी फुलफिल करता है वो सब चीज़ें ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन उसमें परफॉर्म हो सकता है। अब उसी का एक पार्ट है ठीक है, कितना बड़ा पार्ट, एन नंबर का, जो क्या होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ, एन किसका नंबर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ऑफ वी ठीक है। जो वी हमारा सेट था, वेक्टर स्पेस था, उसके अंदर मान लो कि एन नंबर के लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मौजूद हैं ठीक है। इस पर मैं फोकस क्यों दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझा हुआ भी है, इस पर फिर से ध्यान देना है। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो ये जो नंबर है ये नंबर एन है ठीक है, तो ये नंबर ही हमारा डायमेंशन होता है वी का। अगर हम बोले डायमेंशन ऑफ वी तो वो यही बात होगी, डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू एन, ये एन क्या है, एन नंबर है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो उसमें मौजूद है, मैक्सिमम नंबर जो मौजूद हो सकते हैं ठीक है। मान लो वो 10 का है वेक्टर स्पेस, उसमें 6 ऐसे हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो वो हमारा डायमेंशन कहलाएगा। अब यहाँ तक हमने समझा, जो ये 6 का सेट होगा ठीक है, ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 का सेट होगा, इस सेट को हम बोलते हैं बेसिस ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हुआ कि एन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है ठीक है, ये एन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, वो हमारा ये हो गया, और उस एन को ही हम डायमेंशन ऑफ वी बोलते हैं ठीक है। तो डायमेंशन क्लियर हुआ, और वो जो सेट है, वो जो एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का टोटल सेट होगा ना, उसको हम बोलेंगे बेसिस। तो ये हमारा डायमेंशन और बेसिस हमारा क्लियर हो गया। अब इस पर हम एग्जाम्पल देखेंगे जो कि जरूरी है देखना, क्योंकि हमें ये समझ में आया ना कि अप्लाई कैसे होगा क्वेश्चन में ठीक है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल क्या है, एक सेट ऑफ वेक्टर है यू वी एंड डब्ल्यू ठीक है, फॉर अ बेसिस इन आर क्यूब
ठीक है, हमको वेरीफाई करना है कि फॉलोइंग, वेरीफाई करना है कि ये फॉर्म अ बेसिस, एक बेसिस बनाता है कि नहीं बनाता है, ठीक है, ये हमको वेरीफाई करना है कि ये एक बेसिस आर क्यूब में बनाता है कि नहीं बनाता है, ओके, ये हमको वेरीफाई करना है। और हमको इंडिविजुअली यू वी और डब्ल्यू की वैल्यू भी दी है, ठीक है, हम लिख देते हैं, ठीक है, 0 1 -1, -1 0 -1 एंड 3 1 3, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। अब ये हमें बताने कि बेसिस बनाता है कि नहीं बनाता है, ठीक है। आर क्यूब भूल जाओ, आर क्यूब तो उन्होंने एक मतलब एक वैल्यू दिया कि उसमें बेसिस बनाना चाहिए। बेसिस का मतलब अभी हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ या सेट ऑफ ऑल लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये याद रखना है। इसमें मैं फोकस क्यों दे रहा हूं, क्योंकि हमने क्या देखा था, डिपेंडेंसी, ठीक है, डिपेंडेंसी मतलब जीरो और इंडिपेंडेंसी मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये सब चीजें बहुत जरूरी थी। तो ये बेसिस तभी बनाएगा जब ये सारे के सारे लीनियरली, ये तीनों के तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंसी का सीधा सा हमारा तरीका था निकालने का, हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे इसकी और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, समझ रहे हैं आप, तो ये तीनों लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, और नॉट जीरो आया तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि हमको जो वेक्टर स्पेस मिला है यू वी डब्ल्यू, उसको बेसिस साबित करना है। बेसिस साबित करना है मतलब उसका दूसरा स्टेटमेंट बोलते हैं, उसी से मिलता जुलता हमको ये साबित करना है कि तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, या हमको सीधे से एकदम सरल भाषा में बेसिस बताने के लिए हमको उसका डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल नहीं लाना है, मतलब हमें प्रूव करना है कि नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके अराउंड खोलेंगे तो जीरो तो पहला टर्म रहेगा, दूसरा टर्म इसके अराउंड वन, ठीक है, तो वन और अंदर थ्री इंटू माइनस वन और प्लस थ्री, ठीक है, तो ये भी जीरो, और तीसरा टर्म माइनस वन माइनस जीरो, ठीक है, तो ये तो जीरो आ गया, ये जीरो, लेकिन 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 हमारा तीसरा टर्म जीरो नहीं आया, ठीक है, बस यहाँ पे हमारा काम हो गया। जो तीसरा टर्म है ये हमारा आ गया प्लस वन, ठीक है, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट आया वो प्लस वन आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है, बस हमारा काम हो गया। नॉट इक्वल टू जीरो मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। फिर से करते हैं, रिकैप करते हैं, डिपेंडेंसी मतलब जीरो, अगर हमारे डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता तो क्या तीनों लीनियरली डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट मतलब नॉट इक्वल टू जीरो। हमको अगर बोला जाए कि आप इसको बेसिस वेरीफाई करिए, बेसिस क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ या सेट जो बनेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का, तो उस सेट को हम बोलेंगे, अगर तीन है तो उन तीनों को मिला के जो सेट बनेगा उसको हम बेसिस बोलेंगे। तो हमको बेसिस प्रूफ करना था, तो हमको क्या था, उन तीनों के मैट्रिक्स को हमको नॉट इक्वल टू जीरो लाना था, ठीक है, बहुत डिटेल में अच्छे से मैंने बताया है, तो ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है, लगभग हमारा चैप्टर खत्म होने पे आया है। अब हमारा बस दो तीन लेक्चर बचे हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ओके, वो सेट ऑफ इक्वेशन वाला जो पार्ट रहता है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इसको भी बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सबसे बड़ी बात। और लास्ट में हमारा आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, ठीक है, तीन पार्ट में हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।